मनुष्य का हृदय एक ऐसी दिव्य चेतना से अनुप्राणित है जिसे कि हम आदर और श्रद्धा के साथ ईश्वर या परमात्मा कहते हैं। हर हृदय की यह तमन्ना रहती है कि उसे परमात्मा के दिव्य प्रेम की एक ऐसी बूंद मिल जाए कि जिससे वह समग्र प्राणी जाति के बीच अभेद संबंध स्थापित कर सके। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे परमात्मा के दिव्य ज्ञान की एक किरण अवश्य मिल जाए कि जिससे उसके मन का तमस छट सके। हर व्यक्ति की यह ख्वाहिश होती है कि उसे परम पिता परमात्मा के करुणा की अमी वृष्टि अवश्य मिल जाए कि जिससे कि उसके हृदय का फूल खिल सके। जब भी मनुष्य किसी प्राकृतिक आपदा से घिर उठता है संकट की घड़ी का उसे सामना करना पड़ता है या जब भी वो असहाय और बेसहारा स्वयं को महसूस करता है तब तब उसके हृदय में परम पिता परमात्मा की याद सवार हो जाती है। मनुष्य के हृदय से उठने वाली हर हिलोर परमात्मा के प्रति समर्पित होने वाली प्रार्थना होती है। प्रार्थना उतनी ही सशक्त हुआ करती है जितनी कि आदमी के हृदय में परम पिता परमात्मा की प्यास होती है। जितनी तीव्र प्यास होती है व्यक्ति परमात्मा का मूल्य भी उतना ही अधिक आंक पाता है। प्यास ही पानी का मूल्यांकन करती है, वो पानी अर्थहीन हो जाता है जिस
पानी को पीने वाला कंठ प्यासा ना हो। अगर किसी के हृदय के कंठ में प्यास है तो पानी की एक बूंद भी आदमी के लिए बेशकीमती हुआ करती है। पानी की एक बूंद भी प्यासे के लिए जीवन का वरदान बन जाया करती है, और बिन प्यासों के लिए जैसे पानी अर्थहीन होता है, ऐसे ही परमात्मा भी अनावश्यक हो जाते हैं। प्रार्थना आदमी के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जिस घर में सुबह लोग परिवार के सारे सदस्य मिलकर प्रार्थना संपन्न करते हैं, उस सदस्य कभी भी आपस में अलग नहीं हुआ करते। जिस घर के वातावरण की शुरुआत प्रतिदिन प्रार्थना के साथ हुआ करती है, उन घर वाले लोगों का प्रेम भी देखते ही बनता है। जिस व्यवसाय की शुरुआत करने वाले लोग अगर प्रतिदिन अपने व्यवसाय में प्रार्थना को जोड़कर रखते हैं तो उनके लाभांश भी बढ़ जाते हैं, और जिन उद्योगों में सारे कर्मचारी मिलकर पहले 15 मिनट तक प्रार्थना संपन्न करते हैं, उन कर्मचारियों की उत्पादन क्षमता भी अधिक हो जाया करती है। व्यक्ति अगर कोई रुग्ण है और कोई चिकित्सक उसे उपचार कर पाने में समर्थ नहीं हो पा रहा है, ऐसे क्षणों में भी अगर कोई व्यक्ति दिल से प्रभु परमात्मा के प्रति अपनी प्रार्थना समर्पित करे तो जो काम दवा नहीं कर पाती वो काम दुआ अवश्य कर जाया करती है। प्रार्थना तो आदमी के जीवन का सेतु बन जाया करती है, इस पार से उस पार उतारने वाला, आत्मा से परमात्मा को जोड़ने वाला वह तत्व बन जाया करता है। मैंने देखा है कि जब भी कोई व्यक्ति का हृदय प्रार्थना से भरा हुआ होता है तो उसका आभा मंडल ही अंधेरा होता है। आम आदमी भगवान को तब याद करता है जब या तो कोई चोर तब भगवान को याद करता है जब वो चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाए, गरीब आदमी तब भगवान को याद करता है कि जबकि उसे खाने को रोटी नसीब नहीं होती, कोई राजनीतिक व्यक्ति भगवान को तब याद करता है जब उसके जीवन में चुनाव के क्षण आते हैं, कोई विद्यार्थी भगवान को तब याद करता है जब उसके परीक्षा का परिणाम आने को होता है। व्यक्ति जो कि केवल अपने स्वार्थवश ही भगवान को याद करता है, भले ही तुम किसी भी रूप में भगवान को याद करो, लेकिन भगवान हर व्यक्ति के लिए हर संकट की घड़ी में मददगार होते ही हैं। तुम अगर अपने जीवन को उनके लिए कुर्बान करके देखो, तुम्हारा जीवन धन्य हो उठेगा। तुम अपनी वाणी को परमात्मा के लिए समर्पित करके देखो, तुम्हारी वाणी कृत पुण्य हो जाएगी। तुम अपने हाथों को परमात्मा की सेवा में समर्पित करके देखो, तुम्हारे हाथों की रेखाएं बदल जाएंगी। सच तो यह है
कि अगर तुम अपनी दौलत को भी भगवान के नाम पर समर्पित करके उसके स्वामी बनते हो तो तुम्हारी दौलत भी बेहिसाब अकूत बढ़ जाएगी। जीवन का रोम रोम, जीवन का कण कण, जीवन का अणु अणु जिसने कि उसके नाम समर्पित कर दिया है, ऐसे लोगों के हर सांस के पास जाकर देखो तो उनकी सांसों में भी उसी परमात्मा की सुवास नजर आती है। कभी संत ग्रीसा ने अपनी ओर से परमात्मा के प्रति ये प्रार्थना समर्पित की थी कि हे प्रभु, तू मुझे अपने जीवन में शांति और विकास का रास्ता दिखा। उसने प्रार्थना की कि तू मेरे गुनाहों को माफ कर, तू मेरे हितेशियों और मित्रों का भला कर, और जो लोग मुझे अपना दुश्मन मानते हैं तो मेरे उन दुश्मनों को भी अपनी रहम दिखा। इस्लाम धर्म की महान साध्वी राबिया वती ने कभी प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, अगर मैंने स्वर्ग के प्रलोभन में आकर तुम्हें याद किया हो तो तू अपने स्वर्ग के दरवाजों को मेरे लिए बंद कर देना, और अगर मैंने नरक के भय से अगर तुम्हारी भक्ति की हो तो तुम मुझे नरक की आग में झोंक देना। पर हे मेरे अल्लाह परवरदिगार, अगर मैंने केवल तुम्हें पाने के लिए ही तुम्हें याद किया हो तो तुम मुझे अपने अनुपम सौंदर्य का दीदार दिखाने से मुझे वंचित मत रखना। कभी श्री अरविंद ने अपने धड़कते हृदय से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, तुम मेरे हृदय को स्वच्छ स्फटिक की तरह निर्मल करना ताकि मैं अपने हृदय में तुम्हारा स्वरूप और तुम्हारा प्रतिबिंब देख सकूं। बाबा फरीद कि जिन्हें की मृत्यु दंड की सजा सुना दी गई थी, जिनके जीवित शरीर की त्वचा उतार दी गई, चमड़ी उधेड़ दी गई, लेकिन उस व्यक्ति ने भी मरने से पहले कि जबकि उनकी चमड़ी उघेड़ दी गई और उन्हें उठाकर गिद्ध और कौवों और चीलों के सामने फेंक दिया गया, तब अंतिम क्षणों में भी बाबा फरीद ने ये प्रार्थना की थी कि कौवों और गिद्धों, तुम भले ही मेरे इस शरीर को नोच नोच कर खा जाना, मगर मेरे अंतिम क्षणों तक इन दो नैनों को बचे हुए रहने देना, क्या पता अंतिम क्षण में भी मुझे परम पिता परमात्मा का दीदार देखने को मिल जाए। कौवा यह तन खाइयो, कागा यह तन खाइयो, मत चुन चुन खाइयो मांस, कागा यह तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो ने ना मत खाइयो पिया मिलन की आस। कागा चुन चुन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो ने ना मत खाइयो पिया मिलन की आस। कि तू चाहे मेरी बोटी बोटी उधेड़ लेना है चीलों ही गीधों, मगर तुम अंतिम सांस अंतिम क्षण तक भी इन दो नैनों को बचे हुए रहने देना कि शायद अंतिम क्षण में भी उसके दीदार देखने को मिल जाए। और दुनिया में जिस भी व्यक्ति ने सच्चे दिल सच्चे हृदय के साथ उसको पुकारा है, उसकी लौ लगी है, जिसके भीतर भी उसकी प्यास की ज्योति जगी है, उस हर व्यक्ति को, हर शख्स को
चाहे अंतिम क्षण में ही सही, लेकिन उसे परम पिता परमात्मा का प्रकाश अवश्य उपलब्ध हुआ है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक, मैं उन्हीं के जीवन के बहुत प्यारी सी छोटी सी घटना कहूंगा। बात उन दिनों की है कि जब नानक को परम पिता परमात्मा के साथ साक्षात्कार न हो पाया था। आधी रात के समय मां अपनी कुटिया में करवट जैसे ही बदलती है, उसकी नींद उचट जाती है, मां देखती है कि पास में बेटा नानक नहीं है। मां बेचैन हो जाती है कि कहीं नानक फिर इधर उधर तो नहीं चला गया। मां बेचैन बनी हुई उठती है, नानक को ढूंढने लगती है, देखती है अपनी कुटिया से कुछ दूरी पर चंपा वृक्ष की छाया के नीचे नानक बैठा है। उसके पास पहुंचती है, देखती है कि नानक घुटनों के बल बैठा है, हाथ उसके आसमान की तरफ है और आंखों से अविरल अश्रु धारा बह रही है। मां उसके पास पहुंचती है, उसका हृदय भी भीग उठता है कि न जाने इस नानक की पुकार को भगवान कब सुनेंगे। ये नानक है जो लगातार हर पल हर क्षण एक ही प्रभु 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 की रट लगाए हुए हैं। मां उसके पास जाती है, उसके माथे को प्यार से सहलाती है और कहती है, बेटा यूं तू कब तक प्रभु प्रभु को पुकारता रहेगा। न बेटा तेरा दिन में खाने का पता, न रात को सोने का, आखिर ये रट कब तक तेरी जारी रहेगी। मैं बेचैन हो उठी हूं। नानक ने कहा, मां रात को जब मैं सोया कि तभी मेरे कानों में आवाज आई एक चकवी की, और चकवी देखो मां वो अभी भी उस पेड़ की डाल पर बैठी हुई, वो अभी भी कर रही है पियू 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 पियू। मैंने जब चकवी की आवाज सुनी तो मुझे लगा कि मेरा हृदय भी ऐसे ही प्रभु 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 कर रहा है और मैं अपने आप को रोक न पाया। मैं चला आया इस पेड़ की छाया के नीचे चला आया और वो पियू पियू के रट के साथ मैंने भी अपने प्रभु प्रभु के रट लगानी शुरू कर दी। मां इस चकवी का चकवा, इस चकवी का पियू तो शायद यहीं कहीं गया होगा, सुबह तक चल भी आएगा। मां मैं तो अपने प्रभु से जन्म जन्मांतर से बिछुड़ा हुआ हूं, अगर मैं एक जन्म किया, अगर सौ सौ जन्म तक भी अपने प्रभु को याद करूं तब भी कम है। कहते हैं मां और बेटा दोनों ही प्रभु को पुकारते पुकारते उन्हें पता भी न चला कि उन आंसुओं की धाराओं के बीच वे कब डूब गए। दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए हैं, बेटा मां के आंचल में अपना मुंह छिपाए हुए है, जैसे कोई बच्चा मां 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 पुकारता है ऐसे वो प्रभु प्रभु को पुकार रहे थे। रात बीत रही थी कि तभी मां ने देखा कि तभी मां ने देखा कि नानक के भीतर एक दिव्य प्रकाश साकार हो रहा है। मां की आंख खुली तो देखकर चौंक पड़ी, क्योंकि अब नानक वो नानक न रहे जिसको कि वो अपना बेटा कह सके, अब नानक वो नानक हो गए जिसको कि वो अपना गुरु कह सके। और तब नानक की मां अपने बेटे की आत्मा में ठीक वैसे ही समा गई थी कि जैसे कि कभी वृंदावन में मां मीरा भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। और तब कोई प्रार्थना सार्थक हो गई,
कोई परमात्मा जिसका कि सानिध्य लाभ पाकर नानक धन्य हो गया, अरे दुनिया में जिसने भी उसे प्यार से याद किया है, सच्चे दिल से याद किया है, सचमुच उसका आभा मंडल उसके इर्द गिर्द ही रहा है। दुनिया में कुछ व्यवस्थाएं कहती हैं कि परमात्मा आसमान में विराजमान है। मैं नहीं जानता कि आसमान में बैठे हुए भगवान को पाने का क्या मार्ग होता है। जिस दिन तुम मरोगे तो तुम्हारी काया छूट जाएगी और तुम्हारी चेतना दीप शिखा की तरह ऊपर उठ जाएगी, तुम स्वतः अपने परमात्मा को उपलब्ध कर लोगे। दूसरी व्यवस्था ये स्वीकार करती है कि परमात्मा सर्वव्याप्त है, वो यहां भी है, वो वहां भी है, वो मुझ में भी है, वो तुझ में भी है, वो केवल मित्रों में ही नहीं है, वो शत्रुओं में भी है, वो केवल मंदिर में ही नहीं, वो मदिरालय में भी है। तुम जहां जहां अपना कदम रखोगे उस हर ठौर पर उसी का वासा है। भला जो परमात्मा सर्वव्याप्त है, सबके साथ है, मैं नहीं जानता उसको पाने का मार्ग क्या होता होगा। मेरी समझ से उसे पाने का दुनिया में कोई मार्ग होता भी नहीं है, उसे पाना नहीं होता, उसे केवल पहचानना होता है। वो तो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे इर्द गिर्द है, तुम इधर देखो तब भी है, उधर देखो तब भी है, वो जन्म में भी है और मौत में भी है। अगर कोई पैदा हो जाए तब भी वो आया है, और कोई मर गया है तब भी वो उसी रूप में आया है। नरसैया ने कि जिसकी पत्नी मर चुकी थी और उसने अपने बच्चे का पालन पोषण किया, जब भी मैं आप लोगों के बीच आता हूं, एक महानुभाव को पगड़ी पहने हुए सामने देखता हूं, कत्थई रंग की पगड़ी पहने हुए, और देखकर मुझे बार बार नरसैया की याद आ जाती है। जब भी इन पर नजर पड़ती है, महाकवि भक्त नरसैया की याद आ जाती है कि ऐसी ही उनकी पगड़ी थी और ऐसा ही उनका कत्थई रंग था। पत्नी मर गई तब भी माना, चलो प्रभु थोड़ी झंझट कम हुई, अब तुझे आराम से याद कर सकेंगे। और 20 साल के बाद जब बेटा भी मर गया तो नाच उठे किसी मैदान और मंदिर में जाकर और कह उठे, पुत्र मरियु भांगी जंजाल, हवे बजीसु श्री गोपाल, पुत्र मरियु भांगी जंजाल, हवे बजीसु श्री गोपाल, चलो थोड़ा बहुत जो मोह बचा हुआ था वो भी चला गया, अब तो आराम से भगवान का भजन करेंगे। परमात्मा सबका एक ही होता है, परमात्मा में कहीं कोई भेद नहीं होता। कोई ये ना समझे कि हिंदुओं के भगवान कोई अलग होते होंगे, मुसलमानों का भगवान कोई और होता होगा। तुम अलग अलग हो सकते हो लेकिन भगवान अलग अलग नहीं होता। जैनों के भगवान अलग, बौद्धों के भगवान अलग, मैं ऐसा नहीं मानता। सबका मालिक एक है, फर्क हम ही लोग जाकर के खड़ा करते हैं। अरे कोई मिट्टी का दिया होता है, कोई चांदी का दिया और कोई सोने का दिया, मगर दिए सारे दिए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा दिया कैसा है, मूल्य दिए का कतई नहीं है, मूल्य हमेशा ज्योति का हुआ करता है। दियों का भेद होने से ज्योति में कोई भेद नहीं होता। तुम सोने के दिए को जलाओ तब भी वही रोशनी निकलेगी जो कि माटी के दिए को जलाने से निकला करती है। शायद किसी के लिए राम और रहीम में, कृष्ण और कबीर में, महावीर और मोहम्मद में कोई फर्क होता होगा। मैं कहूंगा जब वे स्वयं ही निराकार हो चुके
तो तुम उनके आकारों को लेकर क्यों लड़ते और झगड़ते हो? उनका हर आकार आखिर उसी एक चेतना से जोड़ रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम किस आकार में उसको ध्याते हो? मूल्य इस बात का है कि तुम उसको ध्याते हो या नहीं ध्याते हो। ये तो कोई पिंडवाड़ा में, कोई जयपुर में, या जहां जहां भी मूर्तियां बन रही है, ये मूर्तिकार लोग आकर के इन सारे भगवानों का अलग अलग आकार बना देते हैं और सब अलग अलग भगवान हो जाते हैं। अरे पत्थर है, सारे ही पत्थर हैं। राम जिस मूर्ति से बने हैं, राम की जो मूर्ति है वो भी पत्थर है, और महावीर की जो मूर्ति है वो भी पत्थर है, श्वेतांबरों की मूर्ति भी पत्थर है, दिगंबरों की मूर्ति भी पत्थर है। सारी मूर्तियां पत्थर से ही बनी है, कौन सी मूर्ति है जिसमें कि स्वयं भगवान चले आए हैं? पत्थर है, पत्थर में अगर हाथ में कोई धनुष खड़ा कर दिया जाएगा वही मूर्ति राम की बन जाएगी। अगर धनुष रखने की बजाय हाथ में कोई चक्र का पत्थर रख दिया जाए तो कृष्ण बन जाएंगे। धनुष और चक्र दोनों ही उतार कर किनारे फेंक दो इन दो पत्थर के टुकड़ों को, तो वही महावीर बन जाएंगे। और अगर छाती पर एक कंदोली, एक डोरी अंकित कर दो तो वही बुद्ध बन जाएंगे। कि जिन पत्थरों पर छोटे छोटे चिन्हों को अंकित करने से आदमी आपस में बट जाया करता है, अगर ऐसे ही आदमी मंदिरों को लेकर लड़ता और झगड़ता रहेगा तो दुनिया में एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये प्रबुद्ध मानवता मंदिर को तो पसंद करेगी लेकिन मंदिर में किसी की मूर्ति को बैठाना पसंद नहीं करेगी। मंदिर तो वो स्थान होना चाहिए जहां जाकर व्यक्ति के सारे भेद गिर जाते हैं, जहां पहुंचकर आदमी अपने संप्रदाय और पंथों का दुराग्रह किनारे फेंक देता है, जहां जाने मात्र से चित्त में शांति घटित हो, जहां बैठने मात्र से चित्त की धाराएं निर्मल होने लगती हो, वो हर देवालय परमात्मा का मंदिर है, फिर चाहे तुम उसमें मूर्ति रखो या न रखो। अगर आप लोग धर्मों के बीच मंदिर और भगवान के नाम पर जो विभेद आ चुके हैं, अगर ये विभेद गौण किए जा सके, इन विभेदों के बीच अगर कोई समन्वय स्थापित किया जा सके तो बहुत बेहतर है। मैं महावीर के पंथ में सन्न्यस्त हुआ हूं, पर जितना आदर और अदब महावीर के प्रति रखता हूं उतना ही आदर और अदब राम के प्रति भी है, उतना ही आदर और अदब के साथ कृष्ण को भी प्रणाम है। अगर कोई कहे कि मस्जिद में जाकर तुम्हें अपनी इबादत पूरी करनी है तो वहां भी जाकर के अपना मत्था नवा देंगे। ये दीवारें तो हमने बनाई है, उस परमात्मा ने नहीं बनाई, दुनिया का कोई भी मंदिर भगवान का बनाया हुआ नहीं है, सारे मंदिर इंसानों के द्वारा निर्मित है। तुम अपना मत्था उस भगवान के सामने जाकर मत टेको कि जिसका निर्माण तुमने किया है, उस भगवान के सामने जाकर अपना मत्था टेको जिसने तुम्हारा निर्माण किया है। जिस भगवान ने हम लोगों का निर्माण किया है उसको याद करो और उसके सामने जाकर अपना मत्था टेको। सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आखिर एक जलते हुए चिराग हैं और उनको मिट्टी के दियों जितना ही महत्व दिया जाना चाहिए। मेरे पास एक महानुभाव प्रश्न कर रहे थे कि साहब एक बात का मुझे जवाब दीजिए कि हिंदू लोग जब माला जपते हैं तो माला के मणि को भीतर की तरफ लुढ़काते हैं और मुसलमान जब माला के मणि चलाते हैं तो बाहर की तरफ चलाते हैं, ये इसका कारण क्या है?
हिंदुओं की माला में 108 मणके होते हैं, पारसियों की माला में 101 मणके होते हैं और मुसलमानों की माला में 100 मणके होते हैं। हिंदू लोग अपने मणियों को चलाते हैं तो भीतर की तरफ चलाते हैं, मुसलमान बाहर की तरफ चलाते हैं। मैंने कहा इसमें दिक्कत क्या हुई भाई, तुम्हें इसमें परेशानी क्या हुई, दोनों ही सही है, गलत किसको कहा जाए। मैंने दोनों के बीच थोड़ा समन्वय स्थापित किया और मैंने कहा हिंदू अगर माला के मणियों को भीतर की तरफ चलाते हैं तो इसका अर्थ ये है कि वे अपनी अंतरात्मा में सद्गुणों का भीतर संचार करना चाहते हैं। भीतर की ओर चलने वाली माला अंतरात्मा में सद्गुणों के संचार की प्रतीक है और मुसलमान अगर बाहर की तरफ माला चलाते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वे अपनी अंतरात्मा में रहे हुए दुर्गुणों को बाहर निकालना चाहते हैं। वे अपनी अंतरात्मा में रहने वाले दुर्गुणों को बाहर निकालना चाहते हैं। तुम केवल किसी एक एक छोटी छोटी पापों को लेकर जो बट रहे हो, मैं समझता हूँ ये सारी बातें मनुष्यों के द्वारा निर्मित हैं और जिनका कोई अर्थ नहीं होता। छोटा सा इंसान, छोटी सी इंसानियत, आदमी जितना एक दूसरे से मेल मिलाप करके जी सके वह उतना ही परमात्मा की इबादत कर पाएगा। प्रेम होना चाहिए। मदर टेरेसा ने कहा था कि प्रार्थना का फल है सेवा, सेवा का फल है प्रेम और प्रेम का फल है परमात्मा। मार्ग प्रार्थना से शुरू होता है, इंसानियत की सेवा पर जाकर के वो विस्तार लेता है और प्रेम पर जाकर वो मार्ग पूर्ण होता है। और इसीलिए कहते हैं लव इज गॉड, गॉड इज लव। भगवान प्रेम रूप है, प्रेम स्वयं परमात्मा स्वरूप है। अगर आप अपने मंदिरों में, अपनी इबादत गाहों में, अपने प्रार्थना स्थलों में जाते हैं, आप बड़े प्रेम से जाएं, पुण्यवान होते हैं जो कि प्रार्थना स्थलों पर जाकर के अपनी प्रार्थनाएं संपन्न करते हैं, पर कृपा करके मंदिरों को परमात्मा का मंदिर रहने दो, उसे किसी समाज का, उसे किसी परंपरा का, उसे किसी व्यक्ति का मंदिर मत बनाओ। तुम अगर भगवान विष्णु का मंदिर बना रहे हो और अगर उसके बाहर लिखते हो बिरला मंदिर, तो फिर भीतर में बिरला जी की मूर्ति बैठा हो ना भाई। रखते हो विष्णु जी की और नाम रखते हो बिरला मंदिर, तुम भीतर मूर्ति रखते हो महावीर की, नाम रखते हो जैन मंदिर, क्या राम के मंदिर में जैनों को जाने की मनाही है? क्या महावीर के मंदिर में किसी हिंदू को जाने से इनकार है? तुम महावीर के मंदिर को महावीर का मंदिर रहने दो, तुम राम और विष्णु के मंदिर को केवल राम और विष्णु का मंदिर रहने दो। तुम उसकी व्यवस्था जरूर संभालते हो पर उसके मालिक तुम कतई नहीं हो सकते। और जिस दिन मनुष्य अपनी ओर से किसी भी मंदिर का मालिक बनना शुरू कर देता है, जिस दिन कोई भी समाज किसी भी मंदिर का स्वामी होना शुरू कर देता है, उस दिन वो मंदिर मंदिर नहीं रहता, तब वो किसी समाज के द्वारा परमात्मा के नाम पर खड़ी की गई कोई चार दीवारी भर बन जाया करती है। भगवान का मंदिर है, उसका द्वार तो सबके लिए खुला हुआ होता है, तो मंदिर में जाओ, परमात्मा के लिए जाओ, परमात्मा के नाम पर जाओ। आज स्थिति, लोग जो भगवान के मंदिर में जाते हैं, वो कबीर ने कहा था ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। केवल हम लोग दुखों के भीतर ही उसे याद करते हैं। लोग अब जो मंदिर जाते हैं समझते हैं रिटायर्ड आदमी है इसलिए मंदिर जा रहा है, या मंदिर में आदमी तब जाता है कोई आज पढ़
पर्व का दिन आ गया तो चलो चलते हैं, तो बाकी के दिन भगवान मंदिर में नहीं रहते हैं क्या? कोई कहते हैं आज भगवान के 56 भोग लगे हैं कि बहुत सुंदर आंगी बनी है, अरे आज जरूर जाना। तो तुम भगवान के लिए जाते हो कि 56 भोगों को देखने के लिए जाते हो? तो भगवान गौण हो गया, वहां से मिलने वाला पेड़ा इतना मूल्यवान हो गया, प्रसाद इतना मूल्यवान हो गया। ऐसा हुआ, कहते हैं एक बार इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ किसी चर्च के 100 वर्ष पूरे होने पर मुख्य अतिथि बनी और निर्धारित दिन निर्धारित समय पर वो पहुंची। देखकर बड़ी आश्चर्यचकित हो उठी कि चर्च के बाहर इतने हजारों लाखों लोगों की भीड़। उसे बड़ा गौरव हुआ कि अरे इंग्लैंड और लंदन के लोग इतने धार्मिक हो गए हैं, लगता है कि मेरा देश इतना सभ्य और सुशील हो चुका है कि वो भगवान को इस कदर याद करता है। जब उसने अपना भाषण अभिभाषण दिया, आम जनता की धार्मिकता को साधुवाद दिया, तो जब वही एलिजाबेथ चर्च के पादरी के पास आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची तो चर्च के पादरी ने कहा, एलिजाबेथ देश धार्मिक नहीं हुआ है, लोग धार्मिक नहीं हुए हैं, ये आज कोई भगवान के लिए नहीं आए, ये तो आज महारानी एलिजाबेथ आई है, इसलिए सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। महारानी साहिबा, ये तो आप दो चार दिन के बाद कभी अकेले में बिना किसी सूचना दिए आकर देखे तो पता चलेगा कि चर्च में और गुरुद्वारे में और मंदिर में कितने लोग मिलते हैं। 4 दिन के बाद जब एलिजाबेथ आई तो वही 10-20 बूढ़े कबूतर उनको दिखाई दिए कि जिनके उड़ने के लिए पांख नहीं थी तो कहां जाए, अपना समय काटने के लिए वहां पहुंच गए। ईश्वर को जो ईश्वर के नाम पर याद करता है, जो प्रतिदिन प्रतिक्षण हर सांस सांस के साथ उसे जो याद करता है, ईश्वर का सानिध्य उसे ही मिला करता है। उसे न तो आपके लाखों के दान चाहिए, न करोड़ों की कोई मंदिर मस्जिद की 4 दीवारी चाहिए, उसे तो केवल आपकी भावना चाहिए। अगर आप सुबह उठते हैं और सुबह उठते ही अगर आपने उसको याद कर लिया है, बस प्रार्थना पूरी हो गई, वहीं पर प्रार्थना पूरी हो गई। अगर आप व्यवसाय करने के लिए जा रहे हैं, पहला कदम रखा, आपने उसको याद कर लिया, प्रार्थना हो गई। आप भोजन करने के लिए बैठे और भोजन करते ही आपने उसको याद कर लिया, आपकी प्रार्थना पूरी हो गई। आप मंदिर के पास से गुजरे और आपने अपने सिर नवा लिया, आपकी प्रार्थना पूरी हो गई। उनका संबंध तो प्रेम से है, उनका संबंध तो प्रार्थना से है, उनका संबंध तो भावना से है। क्या किस भाव से किस हृदय के साथ हम उन्हें याद करते हैं, मूल्य केवल उसी बात का ही हुआ करता है। आप चाहिए, आपके पास अगर चढ़ाने के लिए 9 पेड़े हैं, आप चढ़ा दीजिए, एक भी पेड़ा नहीं है, चिंता मत कीजिए, वो बिना पेड़े के भी राजी हो जाया करता है। आप अगर भगवान के नाम पर मंदिर बना सके जरूर बना दें, और अगर न भी बना पाए तो अपने घर में जो छोटा सा एक आला है, उस आले में ही आपने उसके नाम की एक मूर्त विराजमान कर दी है, वो भी उसका मंदिर बन चुका है। आपकी जैसी शक्ति होगी आप वैसा ही तो उसके लिए लगा पाएंगे। जो सर्वतोभाविन अपने आप को लगा देते हैं, भगवान का सानिध्य उन्हें मिल ही जाया करता है। सब लोगों को याद है शबरी के बेर, झूठे बेर मगर फिर भी राम ने उनको खाया। सबको याद है केवट कि जिसने भगवान के पांव धुलवाए और फिर नौका पर बिठाया। जब केवट के द्वार पर राम पहुंचे और चाहा था कि नदिया को पार लगा दिया जाए, केवट चालाक था। लोग सोचते हैं भगवान चालाक होते होंगे, ज्यादा बुद्धिमान होते होंगे, पर भगत कुछ ज्यादा ही चालाक होता है।
जब तक वो अपना काम न निकाल ले तब तक वो भगवान को राजी करने वाला नहीं है। केवट ने भगवान से कहा कि भगवान, यह राजा महाराजा जो भी कहा होगा, मैं उस समय पास में तो था नहीं जो मैं उसके शब्द सुन सकूं, लेकिन केवट ने जब कहा कि भगवान आप अगर पार जाना चाहते हैं तो मैं जरूर आपको पार लगा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त यह है कि पहले आपको अपने पांव मेरी कठौती में धुलवाने पड़ेंगे। पता नहीं आपने पत्थर पर पांव रखा और पत्थर नारी बन गई, कहीं आपने मेरी नौका पर पांव रखा और मेरी नौका भी अगर नारी बन गई तो पहले से ही एक नारी है, दूसरी आ गई तो और फजीती हो जाएगी। अगर दूसरी आ गई तो और फजीती हो जाएगी। आप बैठिए जरूर नौका पर, मैं पार लगाऊंगा। अरे दुनिया के तारण हर आदमी को मैं पार लगाऊं, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या होगा, मगर पहले आपको मेरी कठौती में पांव धुलवाने पड़ेंगे। और कहते हैं राम आखिर मान गए, मानना ही पड़ता, नहीं तो क्या करते। भगत के आगे तो भगवान की कम चलती है, भगवान भक्त के वश में। कठौती में पांव रखा, पांव धुलवाए और उसने वो पानी उठाकर अपने माथे पर डाला, उसका चरणामृत पंचामृत ग्रहण किया, और तभी से तो ये बात मशहूर हो गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर कठौती में भगवान के पांव पड़ गए और उस पर अगर आपने अभिषेक का जल ढार दिया तो फिर पानी पानी नहीं रहता, वो पानी भी गंगोदक हो जाया करता है, वो पानी भी तब चरणामृत और पंचामृत बन जाता है। पांव धुलवाए पार लगे, जब नौका उस पार पहुंच गई तो राम ने सीता की ओर इशारा किया कि भाई केवट ने पार लगाया है, इसको कुछ दे तो दो इनाम के रूप में। तो माँ सीता ने अपना कंगन निकालना चाहा और उसे देना चाहा, तो केवट ने कहा प्रभु ये क्या आप दे रहे हैं, देना लेना कैसा, आप और मैं अपन दोनों ही जाति भाई हैं, आप भी मांझी हैं मैं भी मांझी हूं, आपका काम भी पार लगाना है मेरा काम भी पार लगाना है, आपको जब जरूरत पड़ी तो मैंने आपको इस नदिया के इस किनारे से उस किनारे पहुंचा दिया, भगवान आप केवल जाति भाई का उत्तरदायित्व तो निभा लें कि जैसे नाई और धोबी आपस में एक दूसरे को कुछ लेते देते नहीं है ना, नाई को जरूरत पड़ जाए तो धोबी के यहाँ चला जाए अपने कपड़े धुलवाने के लिए, और धोबी को जब जरूरत पड़ जाए तो अपने बालों की कटिंग करवाने के लिए नाई के यहाँ चला जाए। जैसे नाई और धोबी एक दूसरे के जाति भाई होते हैं, एक दूसरे का काम कर दिया करते हैं, आपस में लेते देते कुछ नहीं है, ऐसे ही भगवान जब आपको जरूरत पड़ी मैंने आपको पार लगा दिया, जब मुझे जरूरत पड़े भव सागर से पार उतरने के लिए भगवान को पुकारने की, और जब मैं आपको पुकारूं और आप तब चले आना तब आप इस काम को पूरा करने में इनकार मत करना, जब मैं पुकारूं तो आप चले आना, जब मैं आऊं आपको पुकारने के लिए तो आप चले आना और मुझे भव सागर से पार लगा देना। आपका काम भी है पार लगाना और मेरा काम भी है पार लगाना, मैं दुनिया को पार लगाऊं और भगवान तू मुझे पार लगा देना। ऐसा हुआ। एक बूढ़ा संत था, संत लेकिन सब्जियों का ठेला लगाता, किसी से पैसे मांगने की उसे जरूरत ना पड़े इसलिए सब्जी का ठेला लगा देता, चार घंटा के लिए उससे जो आमदनी होती उससे अपना काम चला लेता। लोग आते बाबा को कम दिखाई देता, लोग आते चार आने की सब्जी लेके दो आने खड़े दे जाते, दो आने खोटे दे जाते, लोग संतों को भी खोटा सिक्का समझते हैं, खोटे सिक्के ही उनको देकर जाते हैं। संत के पास जाते उन्हें कम दिखाई देता, वो आने चार आने आठ आने लेते और अपनी झोली में डाल देते, और रोजाना का ये कर्म, लोग आते जितने भी खोटे सिक्के होते सब दुनिया भर के सारे खोटे सिक्के उस संत की
झोपड़ी में इकट्ठे होते जा रहे थे, मगर संत फिर भी किसी भी खोटे सिक्के को लेने से इनकार नहीं करता, जो दे जाए ठीक है। भगवान आए, सब्जी खरीद गए, चलो अच्छा है, और रख लेते, खोटे सिक्के भी रख लेते। बूढ़ा संत और बूढ़ा हो गया, जब मरने के करीब पहुंचा और उसे पता चल गया कि कल मेरी मौत होगी, तो चला आया, अपने ठेले को किनारे रखा, झोपड़ी के सारे दरवाजे खोल डाले और चला आया झोपड़ी के बाहर। उसने जितने भी अब तक गट्ठर इकट्ठे किए थे खोटे सिक्कों के, वे सारे गट्ठर सामने लाकर उसने पटक दिए। उसने सारे गट्ठरों को खोल डाला, गुठली के बल बैठ गया आसमान की ओर, हाथ उठाए और परमात्मा को पुकारने लगा, हृदय की प्यास के साथ पुकारने लगा, आओ प्रभु और स्वीकार करो। खोटे सिक्के दिखा रहा था भगवान के सामने, उस अदृश्य परमात्मा के सामने खोटे सिक्के वो दिखाता जा रहा था, कह रहा था, भगवान ये खोटे सिक्के हैं, मैं भी एक खोटा सिक्का हूं। भगवान ये भी खोटे सिक्के हैं, मैं भी एक खोटा सिक्का हूं, और मुझे पता है कि तुम खोटे सिक्कों को कभी इनकार नहीं करोगे। ये दुनिया चाहे खोट खरे सिक्कों को चलाती रहे, मगर खोटे सिक्के तुम्हारे यहां जरूर चल जाया करते हैं। मुझे भी इस बात का बोध है कि मैं भी एक खोटा सिक्का हूं, अगर दुनिया में न भी चल पाया तो कम से कम भगवान के मंदिर के गुल्लक में तो जरूर चल ही जाऊंगा, भगवान के मंदिर की गुल्लक में जरूर चल जाऊंगा। खोटा सिक्का रहना ज्यादा अच्छा है, खरा सिक्का बनोगे तो शायद कोई ट्रस्टी निकाल कर ले जाएगा, बैंक में जमा करा देगा, मगर खोटे सिक्के जितने होंगे वापस गिन गिन के उसी में ही डाल देगा। भगवान के चरणों में रहने के लिए तो खोटा सिक्का बन के जीना कहीं ज्यादा अच्छा है। इच्छा केवल रज कण में मिल, इच्छा केवल रज कण में मिल, तब चरणों के निकट पड़ो, आते जाते कभी तुम्हारे श्री चरणों से लिपट पड़ो। केवल मैं मिट्टी का एक कण बनकर के तुम्हारे मंदिर के बाहर गिर जाना चाहता हूं, ताकि अगर तुम कभी उस मंदिर के भीतर आओ तो तुम्हारे पांव मेरी उस मिट्टी पर पड़ जाए और इस तरह से वो मिट्टी तुम्हारे चरणों से लिपट पड़े। खोटे सिक्के सामने उसने रख दिए और कहा, भगवान ये देखो, एक एक सिक्के को देखो, एक एक सिक्के को, ये सारे खोटे सिक्के थे, खोटे सिक्के हैं, मगर मैंने दुनिया के किसी भी खोटे सिक्के को लेने से इनकार नहीं किया है। अब तक तूने मेरे पास जितने खोटे सिक्के भेजे, मैंने किसी भी खोटे सिक्के को लेने से इनकार नहीं किया, मैंने खोटे सिक्के को भी वही सम्मान दिया जो कि खरे सिक्के को देता रहा हूं। भगवान ये खोटे सिक्के जो कि तुम्हारे सामने मैं रख रहा हूं, मैं इस भाव के साथ रख रहा हूं कि जब खोटे सिक्कों को लेने से मैंने इनकार नहीं किया, तो जब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं ये मानते हुए कि मैं भी एक खोटा सिक्का हूं, तुम भी लेने से इनकार न करना। मैं भी एक खोटा सिक्का हूं, तू मुझे लेने से इनकार मत करना। जब दुनिया के खोटे सिक्कों को मैंने चला दिया तो क्या तू मुझे नहीं चला सकेगा? परमात्मा का अनुग्रह हो जाता है कि जिसे अपने जीवन में स्वयं की खोटाई का अनुभव हो गया, कि जिसे कि अपने जीवन के दुर्गुणों और अज्ञान का बोध हो गया, उस हर किसी के भीतर उस परमात्मा के ज्ञान की एक रश्मि उतर ही जाया करती है। मैं जानता हूं, मैं इस बात का साक्षी हूं, मेरे लिए भगवान के अतिरिक्त और कोई कुछ नहीं है, न मैं हूं न तू है। मैं भी गिर जाए तू भी गिर जाए, मेरे लिए मैं भी वही है और तू भी वही है। शायद आपके लिए कोई नाम नाम होगा, मेरे लिए वह एक गुमनाम ही सबका नाम है। तुम अगर राम कहते हो तो भी उसका नाम है, तुम अगर मिलाप चंद कहते हो तो भी वो उसी का नाम है। सारे नाम उसी के नाम है, सारी मूरत उसी की मूरत है, हर तत्व अपने आप में उसी का प्रतिबिंब है। मुझे तो उसके अलावा कहीं कुछ दिखाई ही नहीं देता, सब कुछ वही है। चोर में भी वही आता है और साहूकार में भी वही आता है। शौचालय जाता हूं तब भी उसी की शांति वहां पर बरसती हुई दिखाई देती है, और मंदिर में जाता हूं तब भी वहीं पर उसका ही आभा मंडल नजर आता है। अपने इर्द गिर्द आस पास
वातावरण में, आकाश में, हवाओं में, सबके साथ उसी की लहर देख रहा हूं। मिलता उसको है जो सर्वतोभावेन उसको समर्पित करते हुए और उसको प्रतिपद प्रतिक्षण याद करता है। याद कीजिए, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था कि जब सीता सती सती द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी के दुर्योधन दुःशासन शकुनी धृतराष्ट्र सारे लोग द्रौपदी के चीर को हर रहे थे। सारी राजसभा भरी हुई थी और उसी राजसभा के बीच द्रौपदी ने भीष्म को भी ललकारा, भीम को भी ललकारा, अर्जुन और युधिष्ठिर को ललकारा, मां गांधारी को ललकारा। एक एक के पास गई और अपनी इज्जत की गुहार करने लगी, मगर कोई भी उसकी इज्जत को जब न बचा पाया तो आखिर हर बेसहारे के लिए एक ही सहारा होता है, हर संकट की घड़ी में एक ही मित्र होता है, हर विपदा के बीच आदमी का एक ही तारणहार होता है। और तब कि जब उसने एक एक को पुकारा मगर कोई भी काम न आया, तब उसने एक भगवान को पुकारा और इस कदर पुकारा कि इतना चीर बढ़ता गया कि एक दुःशासन और एक दुर्योधन तो क्या, अगर दुनिया के सारे दुःशासन भी लग जाते उस चीर को उतारने में, तब भी चीर कम न पड़ता। बिन काज आज महाराज लाज गई मोहरी, कि दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तोहरी। बिन काज आज महाराज लाज गई मोहरी, कोई कारण ऐसा नहीं था कि जिसके कारण आज मैं बेइज्जत होने लगूं, लेकिन जिसने कभी कृष्ण के हाथ में जब खून आया, जब उनका हाथ कभी चाकू से कट गया तो उसने अपना चीर फाड़ा और कृष्ण भगवान की अंगुली पर वो चीर लपेट दिया था। तब कृष्ण ने कहा था, अहो कि जिसने अपना चीर मेरे लिए फाड़ा है, मैं उसके चीर की जरूर रक्षा करूंगा। और जब द्रौपदी ने कहा कि बिन काज आज महाराज लाज गई मोहरी, के दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तोहरी, कि तत्काल भगवान चले आते हैं और जिसने अपना चीर उसको समर्पित किया उसके चीर की वो रखवाली कर दिया करते हैं। घटना तब भी ऐसी ही घटी कि जब ऐसी ही नारी को सम्मानित करने के लिए, या ऐसी ही नारी जो कि अपमानित और लांछित हो चुकी थी, ऐसी ही नारी की इज्जत को फिर से बचाने के लिए महावीर ने तब संकल्प लिया था कि मैं अब ऐसी महिला के हाथ से आहार लूंगा जिस महिला का माथा मुंडा हुआ हो, जो महिला कभी राजकुमारी रही हो लेकिन हाट में जाकर बिकी हो, जिस महिला को लांछित किया गया हो, जिस महिला के सिर के बाल काट दिए गए हो और तल भौरे में ले जाकर जिसको पटक दिया गया हो, भूखी हो, कई दिनों की भूखी हो, हाथ में उसको कोई खाने के लिए अन्न दे दिया गया हो और वो किसी अतिथि की प्रतीक्षा कर रही हो कि कोई आए और उसके आहार को धन्य करे, अगर ऐसा कोई आहार देने वाली नारी मिलेगी तो मैं उसके हाथ से आहार लूंगा। कहते हैं महावीर, एक दिन, दो दिन, एक महीना, दो महीना, पूरे 5.5 महीने तक उन्हें ऐसी नारी न मिल पाई। आखिर जब वो राजमार्ग से गुजर रहे थे तो देखा कि एक नारी कि जिसके किस सिर के बाल मुंडे हुए हैं, एक पांव देहरी के भीतर, एक पांव देहरी के बाहर है, हाथ में उसके छाजला है और उसमें उड़द के बाकुले हैं, और वो वहां खड़ी खड़ी प्रतीक्षा कर रही है कि आज मेरे 3-3 उपवास हो चुके हैं और मेरे 3 उपवास की पूर्णाहुति होने जा रही है,
अरे कोई तारणहार मेरे द्वार पर पहुंचे और मैं उसको पहले आहार देने के बाद खुद आहार ग्रहण करूं। महावीर ऐसी तो किसी नारी की प्रतीक्षा कर रहे थे और वो उसके द्वार पर पहुंच गए। महावीर पास पहुंचे मगर न जाने क्यों वापस वहां से लौटने लगे। जैसे ही लौटने लगे कि वो चंदन बाला वहीं पर हृदय की पुकार से चित्कार कर उठी कि भगवान आज तक मेरी जिंदगी में इतनी त्रासदियां आई लेकिन मैंने हर त्रासदी को अपना कर्म का फल माना, लेकिन आज ऐसी त्रासदी मैं सहन न कर पाऊंगी। मैं हार मारा आंगना सुना, मारा आंगना सुना। कोई चंदन बाला तब निमंत्रण देती है भगवान को कि भगवान आप आओ, मेरी दहलीज पर आओ। महावीर स्वामी नैन पथगामी बाबा तुम्हें, आप नैनों के पंथ से मेरे हृदय में पधारे और मुझ अभागिन को आप धन्य करें। रोती रोती चंदन बाला, रोती रोती चंदन बाला, आज मारा आंगना सुना, मारा आंगना सुना। आओ आओ मारा देव, मारा सुना सुना द्वार, मारा आंगना सुना, मारा आंगना सुना। भगवान के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे द्वार भगवान के लिए खुले होने चाहिए। पता नहीं भगवान कब किस दहलीज पर पहुंच जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। और हमारी हृदय, हमारे हृदय की आंखें जो कि उस प्रार्थना से भरी हुई रहती है, लगातार उसको निमंत्रण उसके लिए दिया ही जाना चाहिए। हम अपने हर दिन की शुरुआत परमात्मा की प्रार्थना के साथ करें। आप घर के जितने भी सदस्य हैं एक समय निर्धारित कर लें और सुबह घर के सारे सदस्य इकट्ठे होकर और भगवान की प्रार्थना में अपने 15 मिनट का समय समर्पित करें। अगर आपके जीवन में कोई खास सफलता श्रेय सम्मान उपलब्ध होता है, आप उस सम्मान को अपने पर न लें वरन उसे परम पिता परमात्मा के चरणों में एक फूल की तरह हमेशा समर्पित कर डालें, ताकि आपके भीतर पाए गए सम्मान श्रेय और सफलता के कारण अहंकार न पैदा हो पाए। अगर जिंदगी में जी रहे हैं, प्रार्थना में जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कभी कोई कष्ट का सामना करना पड़े तो भी चिंता न करें, धैर्य रखें, क्योंकि ईश्वर अगर प्रकृति सारे द्वार बंद कर भी देती है तब भी चिंता नहीं। जो परमात्मा के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है उसके जीवन में कोई न कोई द्वार जरूर खुल ही जाया करता है, और वो हर किसी के लिए द्वार खोल ही दिया करते हैं। हमेशा हर हमेश उसके लिए आह्वान हो, ठीक ऐसे ही आह्वान हो जैसे कभी कोई चैतन्य महाप्रभु दाल दाल पात पात में उसका आह्वान करते थे, ठीक वैसे ही जैसे कि माँ मीराबाई कभी वृंदावन की कुंज गलियों में पहुंचकर उनके नाम पर थिरका करती थी और उनको आह्वान दिया करती थी। अपनी आंखों में, अपनी सांसों में, अपने हृदय की धड़कन में हमेशा एक उसी का निमंत्रण हो कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, पधारो भगवान, मेरी आंखों में आकर तुम अपना वास करो, ताकि मैं कभी किसी पर गलत नजर न डाल पाऊं। भगवान तुम मेरे मन में आकर अपना निवास करो, ताकि मेरे मन में कोई तरह का दुर्विकल्प न हो। भगवान तुम मेरे हाथों में आकर निवास करो, ताकि इन हाथों के द्वारा सदा सेवा और करुणा होती रहे। हे भगवान तुम मेरे हृदय में आकर अपना बसेरा करो, ताकि हृदय में सदा तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा अनुग्रह ही बरसता हुआ रहे।
बसो मेरे नैनों में नंदलाल, बसो मेरे नैनों में नंदलाल, बसो मेरे नैनों में नंदलाल, बसो मेरे नैनों में नंदलाल। ये वही बहुत प्यारा गीत है कि जिस गीत के लिए स्वयं सम्राट अकबर ने जब ये बात सुनी कि मीराबाई इस तरह से भगवान की भक्ति करती है, तो वीर बल के साथ अपना वेश बदलकर साधु का वेश पहन करके सम्राट अकबर और वीर बल मीराबाई के राज महलों में पहुंचते हैं, और जहां मीराबाई अपने आंखों से अश्रुधार बहाती हुई अपनी इकताही पर गुनगुनाती हुई, तब यही गीत गुनगुनाती है कि जिसको सुनकर स्वयं सम्राट अकबर भी मंदिर में थिरक उठता है, और तब वो अपने अल्लाह के लिए, अपने मालिक के लिए वही गीत गुनगुनाने लगता है जो कि माँ मीरा ने गुनगुनाया था। बसो मेरे नैनों में नंदलाल, बसो मेरे नैनों में नंदलाल, बसो मेरे नैनों में नंदलाल। को मोहनी मूरत सांवरी सूरत, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बाले विशाल, बसो मेरे नैनों में नंदलाल, बसो मेरे नैनों में नंदलाल, बसो मेरे नैनों में नंदलाल। मोहनी मूरत सोहनी सूरत, मोहनी मूरत सोहनी सूरत, नैना बाने विशाल, बसो मेरे नैनों में नंदलाल, बसो मेरे नैनों में। मोर मुकुट मकर राकृत सो है, मोर मुकुट मकर राकृत सो है, उर्वेज अंती माल, बसो मेरे नैनों में नंदलाल, बसो मेरे नैनों में नंदलाल, बसो मेरे नैनों में नंदलाल। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वेज अंती माल, बसो मेरे नैनों में नंदलाल, बसो मेरे नैनों में नंदलाल। हो मेरा के प्रभु तबरे मिलाओगे, मीरा के प्रभु कबरे मिलाओगे, मीरा के प्रभु कबरे मिलाओगे, भगत वचन गोपाल, बसो मेरे नैनों में नंदलाल, बसो मेरे नैनों में नंदलाल, बसो।
सो मेरे नैनन में नंदलाल पायू जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोलक दी मोर सदगुरु वस्तु अमोलक दी मोर सदगुरु कृपा करी मैं अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो चरण लूटे खर्चन खूटे चरण लूटे खर्चन खूटे दिन दिन बढ़त सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जन्म जन्म की पूंजी पाई जन्म जन्म की पूंजी पाई दिन दिन बढ़त सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो मेरा के प्रभु गिरधर मागर मेरा के प्रभु गिरधर मागर हरख हरख जश गायो पायो जी मैंने राम रतन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन पायो जी मैंने राम रतन पग घुंघरू बांध पग घुंघरू बांध पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे नाची रे मीरा नाची रे विष का प्याला राणा जी भेजा पीवत मीरा हाँसी सोए विष का प्याला राणा जी भेजा पीवत मीरा हाँसी मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी रे पग घुंघरू घुंघरू पग घुंघरू घुंघरू पग घुंघरू घुंघरा नाची रे नाची रे वे पाम धन्य जो प्रभु के नाम पर थिरकते हैं वे हाथ धन्य जो प्रभु की सेवा में काम आते हैं वे नैन धन्य जो नैन प्रभु के दीदार को निहारा करते हैं जीवन उन्हीं का धन्य होता है जो अपनी हर सांस सांस धड़कन धड़कन में उसी के एक तारे के तार को जोड़ा करते हैं जो जोड़े भगवान उनके हैं जो न जोड़े तब भी भगवान उनके हैं आप सब लोगों को सबके अंतर्गत में विराजमान परम पिता परमात्मा की दिव्य ज्योति को हम अनुरोध से बहुत बहुत अमृत प्रेम है।